बोलो। मैं किसी डॉक्टर में अस्पताल में आ रही थी दवाई लेने के लिए। बोला था कि अस्पताल मत जाओ, मेरे पास सुबह एक महात्मा दवाई देता है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, वो हमारे रिश्तेदार थे इसलिए हम चले गए। जाने के बाद में वो वहाँ ले गया था महात्मा जी के पास नौगमा दवाई लेने के लिए। वहाँ से दवाई लेकर आए, वो अपने कमरे पर ले गए। उसकी बुआ थी राम बेटी, राम बेटी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। उसी के बाद उसने मेरे साथ रेस्ट किया था। रिश्तेदारी थी आपकी उससे? हाँ। क्या नाम था उसका? सुरेश उर्फ सूर्या। कौन से थाने का मामला है? सुभाष नगर थाने का। हाँ। आप कहाँ की रहने वाली हैं? नहीं मतलब ये क्या क्या के लेके आपको किस चीज़ की दवाई दिलाने क्या कह रहा था? हेलो, जैसे मैं प्रेग्नेंट बच्चे नहीं होते थे मेरे, तो मैं बच्चे होने की दवाई लेने के लिए बरेली आ रही थी। वो इस बात पे ले गया था मुझे महात्मा जी के पास। उसने वीडियो क्लिक बना ली और फिर वो धमकी देने लगा कि इतने रुपए भेजो और नहीं तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा, तू और तेरे पति जीने लायक नहीं रहेंगे। कितना टाइम हो गया इस बात को? कब की हादसा है ये? 8 तारीख 2 महीना 2018। अभी तक क्या कर रहे थे आप? डर के मारे नहीं बताया था। धमकी दी थी मारने की। वकील साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील पांडे एडवोकेट है। क्या मामला है? ये मामला यही है, रेपिस्ट है कि पीड़िता इसके साथ तो रेप किया गया। एक सूर्य नाम का लड़का था, इसे बच्चा ना होने की दवा दिलाने के बहाने वहाँ एक नौगावा थाना फरीद में पड़ता है वहाँ ले गया और ले जाने के बाद झाड़ फूक करा करके वहाँ से अपने घर स्थित स्वास्थ्य नगर शांति विहार ले आया और वहाँ जा करके उसकी बुआ ने और उसने दोनों ने मिलकर चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद उसकी बुआ ने एक कमरे बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। उसने जबरदस्ती इसके साथ बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद धमकी दी, वीडियो क्लिपिंग बना ली और कहा यदि तुमने इसकी शिकायत कहीं की अपने पति को बताई तो हम तुझे तेरी वीडियो क्लिपिंग फेसबुक पर सार्वजनिक कर देंगे, तू जिंदा समाज नहीं रह सकती। तो इसकी शिकायत उसने पति से डर की वजह से नहीं की, जिसने इस धमकी दे वीडियो क्लिपिंग की धमकी दे करके जिसने लाखों रुपये उसे वसूल चुका है सूर्या और सुरेश और धमकी देता कई बार रेप कर चुका है। बोला बुला के जान देगा मैं रेप करूंगा और नहीं देगी और पैसे दे, नहीं कराएगी तो पैसे दे। इस तरह की धमकी देकर कई बार रेप हो चुका। तब एक दिन उसने कहा मेरे आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा शेष नहीं है। तब उसके पति ने पूछा कि तुम अनबन क्यों रहती हो? तब उसने अपने पति को बताया, इस तरह की सारी घटना जानकारी दी। तब उसके वो थाना स्वास्थ्य नगर गया, शिकायत की लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, इसलिए यहाँ न्याय की आस लेकर SSP समय में आई है।